नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आए हुए हैं कुंजपुरा डेयरी फार्म पे। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि पिछले बार भैंसों को दिखाया था और दूध वगैरह की क्षमता भी बताई थी, लेकिन रेट के बारे में कोई मालूमात नहीं किया था, पता नहीं किया था। तो अब की बार रेट के साथ में और कौन से लैक्टेशन में है, कितना दूध कैपेसिटी है, उस हिसाब से आपको इनकी जानकारी देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब एक बार अपना नाम और यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दो। भाई साहब मेरा नाम है अशोक कुमार, सीआरपीएफ से रिटायर हूँ जी, और मेरा गांव है कुंजपुरा, जिला महेंद्रगढ़ है, तहसील अटेली मंडी है। भैंसों के सेल पर चीज का काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लगभग कितनी भैंसें रहती हैं अपने पास? 20 से 25 भैंसें एट ए टाइम हमारे पास हमेशा रहती हैं बिक्री के लिए तैयार रहती हैं। और कोई सिंगल सिंगल भैंस लेना चाहे तो वो भी है? बिल्कुल। और गाड़ी का लोट चाहे तो कोई? हाँ, गाड़ी का लोट चाहे तो गाड़ी का लोट भी कर देंगे, जैसे कि बाहर वाले बन जाते हैं। 20-25 भैंसें एट ए टाइम ताज़ा हमारे पास रहती हैं। अच्छा, तो अपने पास जैसे कितने रेंज की भैंसें रहती हैं? हमारे पास मिल जाएगी 85 से लेकर 1.25-1.5 लाख तक की भैंसें मिल जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो एक एक करके अपनी थोड़ी सी भैंसें दिखाओ। बिल्कुल। अच्छा, जो ये है फर्स्ट वाली? ये फर्स्ट वाली है, सेकंड ब्याह की है। हाँ जी। और 8-10 दिन की ब्याही हुई है, 13 लीटर दूध है इसके अंदर। 8-10 दिन की ब्याही है, 13 लीटर दूध है। थोड़ा उधर करना जरा एक बार। अच्छा, लेवटी वगैरह बिल्कुल साफ है और थन का गैप भी काफी बढ़िया है। 13 लीटर दूध है। 13 लीटर दूध है सेकंड ब्यात में। सेकंड ब्यात का प्राइस है इसका 1,10,000। 1,10,000 रुपए। नीचे क्या है? नीचे फीमेल काफ है, ये वाली बच्ची है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, आगे दिखाओ जी। दूसरा है सेकंड ब्यात का है। हाँ, 13 लीटर दूध तैयार है इसमें सेकंड ब्यात में। हाँ जी। मीडियम साइज की है। मीडियम साइज की है। कितने दिन हो गए ब्याह हुए? ये 7-8 दिन की ब्याह होगी। 13 लीटर दूध है इसमें। थोड़ा आगे पीछे करो जरा। इसका क्या डिमांड है? इसका 1,10,000 है। और नीचे फीमेल है इसके भी। अच्छा, तो ये वैसे आगे काफी दूध बढ़ाना होगा अभी तो? हाँ, दूध 15-16 लीटर तक देगी। 15-16 लीटर तक है। ताजी ब्याही हुई है, 7-8 दिन की ब्याही हुई, तो जाहिर सी बात है कि दूध तो बढ़ाएगी। अभी 13 लीटर तैयार है इसके अंदर। ठीक है। तीसरे नंबर की? तीसरे नंबर के नीचे 15-16 लीटर दूध तैयार है। नीचे फीमेल का नहीं, मेल है। मेल काफ है। कौन से ब्यात में होगी ये? सेकंड ब्यात की है सब। वो थोड़ा सा बड़ा सींग है इसका। हाँ, सींग खुला है, देसी में आता है। दूध कितना होगा? दूध 15-16 अभी तैयार है। कितने दिन की ब्याही हो गई है? ये ब्याही भी 20-25 दिन की ब्याही होगी। 20-25 दिन की, यानी कि ये तो लगभग अपने पीक पे है। हाँ, पीक पे है ना। थन वगैरह बिल्कुल सही है। अच्छा, कितने कीमत बताई इसकी? इसका 95,000 है। 95,000 रुपये है इसकी कीमत। अच्छा, ये इसके अंदर है 15-16 लीटर है, तीसरे ब्यात में है। 15-16 लीटर दूध तैयार है अभी। अच्छा, तीसरे ब्यात में है। नीचे मेल काफ है, ये वाला बच्चा है। हाँ जी। कितने दिन की ब्याही हो गई है? ये सब 10-12 दिन की ब्याही हो गई है। अच्छी मतलब शरीर की। हाँ, है दूध वगैरह की क्षमता और काफी बढ़ाएगी। बिल्कुल बढ़ाई, छटाव देगी तो बिल्कुल बढ़ाएगी। कितने तक जाएगी आपकी उम्मीद? 17-18 तक आराम से जाएगी। 17-18 लीटर तक चली जाएगी। हाँ जी। सींग इसका थोड़ा सा बड़ा है। सींग थोड़ा बड़ा है। ठीक है। ये सेकंड ब्यात की है। थोड़ा सा कैमरे देख के थोड़ा डर रही है। सेकंड ब्यात में? सेकंड ब्यात की। आज सुबह किल्ली से खाली किया है इसको। हाँ। और पीछे पहलवान पार्टी ने 13 लीटर दूध दिया था। अभी 15-16 की उम्मीद है इससे। ठंड काफी छोटे हैं इसके ना। हाँ जी। 15 लीटर तक की उम्मीद है। हाँ, इससे 15 लीटर बढ़िया पूरे वजन की है एकदम। नीचे क्या है इसके? नीचे फीमेल का है, ये वाले। हाँ जी। इसकी क्या डिमांड कर रहे हो फिर? इसका 1,15,000 है। 1,15 है। ठीक है। ये 3 दिन की ब्याही हुई है। हाँ, 11-12 लीटर दूध है इसके अंदर से। चौथा पांचवा ब्यात में हो गए। हाँ, चौथा ब्यात में। कितना लीटर दूध है अभी? 12-13 लीटर दूध है, उठी है। 13 लीटर, 4 दिन की ब्याही हुई है। ये तो 18 लीटर के आसपास आराम से जानी चाहिए। 20 लीटर तक, 20 लीटर तक चली जाएगी। बिल्कुल पूरी हाइट वजन की एकदम। अच्छा, नीचे क्या है? नीचे फीमेल का। फीमेल है। क्या डिमांड है?
इसका 1,30,000 है जी। 1,30,000 है, काफ़ी हाइट वगैरह की है, काफ़ी बढ़िया है, पुट्ठा वगैरह बढ़िया, सिंगल हड्डी में लेआउटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, साफ़ सुथरी है, थनों का स्पेसिंग भी काफ़ी बढ़िया, लंबे लंबे थन। अच्छा ये वाली, ये भाई साहब 20-22 दिन की ब्याही हुई है, 14 लीटर दूध है तैयार है इसके नीचे। 14 लीटर, हाँ जी, तीसरा ब्यांत की है ये, शायद अपने पीक पे होगी अभी। तीसरा ब्यांत है, 1,10,000 रुपये इसका प्राइस। और नीचे बच्चा मेल काफ, मेल काफ है, हाँ जी, ठीक है। ये सेकंड ब्यांत की है, हाँ। और भाई आप जो प्राइस बता रहे हो ये कोई फिक्स है या थोड़ा बहुत कुछ हो सकता नहीं, है? 1,500 बस, कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत मतलब गुंजाइश है, सम्मान कुछ। हाँ हाँ, ये सेकंड ब्यांत की है, हाँ जी, 15-16 लीटर दूध तैयार से, जी जी, 10 दिन की मेल काफ है नीचे, काफी बढ़िया लेआउटी है। कितना लीटर दूध बताया? 15-16 लीटर तैयार है, 15-16 लीटर है अभी तैयार, 8-10 दिन की ब्याही के। 1,30,000 रुपये, 1,30,000 मेल बच्चा है, हाँ जी, ठीक। खुले सींग की, ये तीसरे ब्यांत की है, हाँ हाँ, मीडियम साइज में, 14 लीटर दूध है इसके नीचे। कितने दिन की ब्याही हो गई है? ये ब्याही होगी 15 दिन की, 15 दिन की, अभी छटाव नहीं दिया है। पीछे से देखने काफ़ी बढ़िया लग रही है लेआउटी वगैरह, जो दिखावा वाली लेआउटी होती है उस टाइप की है ना। नीचे क्या है? नीचे मेल, मेल काफ, मेल काफ है। क्या डिमांड है जी? 1,10,000, 1,10,000 रुपये डिमांड है। अच्छा जी, ये है तीसरे ब्यांत की, हाँ जी, बस 14 लीटर दूध है अभी। अच्छा, कितने दिन की ब्याही हो गई है? ब्याही 10-12 दिन की ब्याही होगी, फीमेल काफ है, हाँ जी, 1,25,000 रुपये, 1,25,000, ठीक है। और इधर चलते हैं, ये तो बाखड़ी भैंस है, ये बाखड़ी है, हाँ, बाखड़ी भी सेल के लिए होती है क्या अपने? हाँ, पास सेल के लिए मिलेंगी, बाखड़ी मिलेगी। अच्छा, ये कितने दिन की आगे? ये तो की हमारे घर की है, आगे की हो रखी है, हाँ, ढाई महीने की आगे की है, 2-2.5 महीने की है, 17-18 लीटर दूध दे देती है, बच्चा मर गया था तब भी 17-18 लीटर दूध दिया है, हाँ जी। तो भाई किसी भाई को अगर बाखड़ी चाहिए तो भाई के पास बाखड़ी भी अवेलेबल है। इसका 10 दिन ब्याने का, 10 इसका या बिन भैंस है, 10 दिन है ब्याने के, हाँ जी। अपने पास कब से है ये? ये मैं तो अभी लेके आया हूँ। आप लेके ही आए हो, हाँ जी। कौन से ब्यांत में होगी ये? अभी तीसरा ब्यांत में, तीसरे ब्यांत में है, हाँ जी। क्या डिमांड है इसकी? इसका 1,15,000। और पीछे का कोई रिकॉर्ड? पीछे का 15-16 लीटर का सेकंड ब्यांत का दूध दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, देखो भाई काफ़ी बढ़िया लेआउटी निकाल रही है। कितने दिन है ब्याने के? 10-15 दिन, हाँ, 10-12 दिन ब्याह की, ठीक है। और ये वाली, ये है चौथा ब्यांत में, हाँ जी, और फुल हाइट वजन की एकदम, नीचे हाँ, की साफ सुथरी, 25+, 25-250 का इसका रिकॉर्ड है, हाँ हाँ, दूध दिया हुआ है मालिक का, जी जी, काफ़ी बढ़िया है, हैवी में, काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है, अच्छी ऊंची। इसका मोल है साहब 1,65,000। अच्छा, अभी 18 तारीख को पूरा करेगी, ब्याने की डेट है, हाँ हाँ, हाँ जी, 18 तारीख, मतलब अभी थोड़ा दिन, थोड़ा टाइम बचा है, 13 दिन बाकी है, हाँ, 13। क्या रेट बताया इसका? 1,65,000, 1,65,000 रुपये है, हाँ जी। भाई कहीं मेले वगैरह में दूध वगैरह नपवाना हो तो भाई इस तरह की भैंसे लो भाई, जैसे दूर ले जाना हो, बाहर स्टेट से भी आते हैं लोग। ये एचएफ गाय है, ये आपकी एचएफ गाय होगी। लंपी आई थी क्या इनमें? हाँ, पहले लंपी आई हुई है भाई साहब। अच्छा, ये वाली, इसके नीचे 13 लीटर दूध है अभी, 13 लीटर, महीना भर की ब्याही हुई होगी ये। अच्छा, प्राइस है इसका 82,000 रुपये, 82,000 रुपये है, 13 लीटर दूध है, हाँ जी। और बच्चा? बच्चा मेल काफ है, ये वाला है, ये वाला, ठीक है। ये तीसरे ब्यांत में अभी, इधर करना एक बार फेस इसका,
सींग वगैरह, सींग तो सही है, गोल हैं। अच्छा 15 लीटर दूध तैयार है 20 के से। कौन से ब्यांत में है? तीसरे ब्यांत में अभी। तीसरे ब्यांत में 15 लीटर दूध। कितने दिन की ब्याई होगी? 10-12 दिन की ब्याई होगी। 10-12 दिन की ब्याई होगी। बच्चा? बच्चा मेल काफ है। मेल काफ है। 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये डिमांड है, ठीक है। ये और ये आपके घर की? ये हमारे घर की है, बिक्री की नहीं है। सेल के लिए नहीं है? सेल के लिए नहीं है। वैसे इसका दूध का कितना रिकॉर्ड रहा है? 23 लीटर तक का रहा है इसके बार। अब की बार इसने जेर नहीं गिराया था, उसकी वजह से पूरे दूध पे नहीं आ पाई। अच्छा ये बच्चा? हाँ ये इसी का। इसी का है? मेल का। अच्छा अपने पास जो प्योर मुर्रा जोटा है, हाँ जी, काले रंग का है, लेकिन ये भैंस हमेशा ही अपने जैसे बच्चा देती है। ये अपने जैसे बच्चा। ये क्या सिस्टम है? कहते हैं कि झोटे पे जाता है, झोटे पे जाता है, लेकिन इसके जो पहले पड़िया है वो भी हमारे झोटे से ही है। हाँ वो बिल्कुल भूरी है, वो भी भूरी है, इसे अपने माँ पे जाता है इसका। हाँ हाँ अच्छा। और किधर है? और ताजी तो इस साइड में, इस साइड में है। वो पीछे अपना झोटा आ रहा है, ये 15 दिन बाकी है इसका ब्रांड। एक सेकंड, ये है लगभग 5 साल का झोटा। हाँ जी ठीक है, बढ़िया है भाई। आगे ले जाओ। अपने ही घर का है? हाँ जी घर का पड़ा हुआ। अच्छा ठीक है। ये वाली? ये क्या बैगी? 15-20 दिन बाकी है। 15-20 दिन बाकी हैं इसके। अच्छा क्या कुछ डिमांड है इसकी? इसकी 95,000 रुपये सब। 95,000 रुपये। क्या रिकॉर्ड रहा है इसका? 14-15 मेरे पिछले ब्यांत मेरे पास ही थी। 14-15 लीटर आपके पास ही थी? कौन से ब्यांत में? अभी ये अभी तीसरे ब्यांत में है। तीसरे ब्यांत में ब्याएगी अभी 15 दिन के करीब है। हाँ जी 15 दिन के। ठीक है बढ़िया। आओ जी बंद। इसको ये सेकंड ब्यांत की है, 18 लीटर दूध सेकंड ब्यांत में, मतलब अभी कैपेसिटी है। पिछली बार 14, मतलब कितना टाइम बच रहा है ब्याने का? 17 तारीख को पूरा करेगी साहब। 17 तारीख को पूरा। अभी सेकंड ब्यांत में आएगी, पहले ब्यांत में से 14 लीटर दूध निकाला है। पहले अभी इसकी उम्मीद 17-18 तक की है। 17-18 निकाल देगी बिल्कुल। 14 निकाला तो मुर्रा एकदम बिल्कुल बढ़िया, काफी चौड़े पुट्ठे की है, बढ़िया। पहले अपने पास ही थी ये या फिर लाई हुई है? नहीं ये लाई हुई है। अच्छा ये वाली बैठने वाले मित्र के पास थी, उससे लेके आए। अच्छा ये मीणी भैंस है। मीणी भैंस इसका 14-15 दिन बाकी है इसका भी। सींग हिलते हैं? सींग दोनों हिलते हैं भाई साहब। जरा दिखाओ। हाँ बिल्कुल हिला। हाँ बिल्कुल सही है। 15 दिन बाकी है इसके। हाँ 15 दिन बाकी है ये। 18-20 लीटर दूध निकालती है। मीणी की भी काफ़ी डिमांड होती है वैसे, काफ़ी लोगों की पसंद होती है मीणी। क्या डिमांड है? 1,15,000। 1,15,000 रुपये ठीक है। कहीं बांध और भी काफ़ी है। ये है आज सुबह खीस से खाली किया है इसको। ये वाली को सेकंड ब्यात की है। पहलवान कटिया ने 13 लीटर दूध दिया हुआ है इसने। अच्छा काफ़ी बढ़िया। सुबह खीस से खाली की है। नीचे क्या है? फीमेल काफ। फीमेल काफ है। क्या डिमांड है? 1,20,000। 1,20,000 ठीक है। इसको भी सुबह खाली किया खीस से। हाँ हाँ काफी। सेकंड में हाथ में है। हाँ जी 15-16 लीटर के आसपास दूध की कैपेसिटी है इसकी। अच्छा। सेकंड में हाथ में दिया था। सेकंड ब्यात में 15-16 लीटर दूध दिया लीटर दिया था। अभी तीसरा ब्याह है ये। अच्छा हाँ जी। प्राइस इसका 1,45,000। 1,45,000। कितने दिन की ब्याई हो गई है? ये सुबह खाली किया खीस से। सुबह खाली किया है। हाँ। इसके नीचे क्या है? फीमेल का। फीमेल है? हाँ जी ये फीमेल है इसके नीचे। अच्छा बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पशु ले रखे हैं। और भाई लगभग लाते रहते हैं घूम घूम के अपने फील्ड से, तो यही है अभी सेल के लिए। हाँ जी सेल के लिए इतने पशु हैं फिलहाल। ठीक है भाई, अगर किसी भाई को समझ में आ रही है तो आपसे संपर्क कर लेंगे। बिल्कुल कर सकता है। नंबर है मेरा 600-583-2473। ठीक है। नज़दीक हवाई पट्टी बाछोद के पास कुंजपुरा गांव है हमारा जी। और अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है तो थोड़ा बहुत रुकने वगैरह की व्यवस्था होगी? रुकने वगैरह की, खाने वगैरह की सब बंदोबस्त है बिल्कुल एकदम। ठीक है बहुत बढ़िया। और हमारा भी अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो हम किसी अड़ोस पड़ोस में दिखा भी सकते हैं, उसमें कोई बीच में एक पैसे का भी कोई काम नहीं है। भाई की समझ में आए तो उसको घुमा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा
ठीक है। हाँ जी, ठीक है।